इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय सभापति महोदय, मुझे मुख्यमंत्री के बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं बजट भाषण की शुरुआत करने से पहले जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने मेक इन इंडिया पर एक सवाल किया था कि मेक इन इंडिया क्या है, मेक इन इंडिया कहाँ गया। मैं उनका जवाब देना चाहूंगा। माननीय सदस्य, 9 माननीय सदस्य बोलने हैं और माननीय अध्यक्ष महोदय का निर्देश है कि सही 8 बजे जो है सदन की कार्यवाही आज की पूरी हो जाएगी, इसलिए मेहरबानी करके इधर उधर जाने के बजाय सीधे सीधे अपने विधानसभा क्षेत्र के बारे में आप चर्चा कर लें। मैं सही 7 मिनट में जो है आपको बैठा दूंगा, प्लीज सेव करें थोड़ा, वरना बोल नहीं पाएंगे आपके माननीय सदस्य। बिल्कुल बिल्कुल, 2 माननीय सदस्यों को बोलना है, उनका जवाब बाद में क्यों देते रहना आप। मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत पर लागू होती है। आत्मनिर्भर भारत किस लिए लागू किया है कि जब आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा, जब भारत में देश में वस्तुएं बनेगी, मेक इन इंडिया वही है, और स्किल डेवलपमेंट होगा तो मेक इन इंडिया होगा, एक मेक इन इंडिया हो जाएगा तो आत्मनिर्भर भारत बन जाएगा। ये आपको मैं माननीय सदस्य बताना चाहूंगा, और आपको मैं ये भी कहूंगा कि शेर और शायरी से प्रदेश की सियासत नहीं चलती, काम करने से चलती है। जिस प्रकार से सत्ता पक्ष के मेरे माननीय सदस्य बोल रहे हैं कि ये ऐतिहासिक बजट है, तो ऐतिहासिक बजट कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐतिहासिक इतिहास बनकर न रह जाए, और इतिहास इसलिए पढ़ाया जाता है कि इतिहास में की गई गलतियां पुनः दोहराया नहीं जाए। तो ये इतिहास में बने और ये ऐतिहासिक बजट को किस तरह से लागू हो ये आपको कल्पना करनी है। माननीय सदस्य, सत्तापक्ष के सभी सदस्यों ने पक्ष लिया है, मैं आपको ज़्यादा मैं बड़ी बातें नहीं करना चाहूँगा, मैं छोटी छोटी जो व्यवस्था है उसके अनुरूप मैं बात करना चाहूँगा। सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत पेंशन योजना है, वृद्धावस्था, विधवा पेंशन और विशेष योग्यजन को पेंशन मिलती है। उस पेंशन में जो बुजुर्ग होते हैं उनके अंगूठे के निशान या रेटिना काम नहीं करते तो उनका आधार कार्ड नहीं बनता है, और आधार कार्ड नहीं बनने से उनके वो पेंशन प्लान नहीं ले रहे हैं, पेंशन नहीं आ रही है उनके। तो मैं जिस प्रकार से जो आधार कार्ड में एक लाइबिलिटी दी हुई है अपने सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 22 अक्टूबर 2017 को सर्कुलर जारी किया था कि उसमें कहा था कि प्रोवाइडेड दैट इफ एन आधार कार्ड नंबर इज नॉट असाइन टू एन इंडिविजुअल, द इंडिविजुअल शैल बी ऑफर अल्टरनेट एंड वियबल मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन फॉर डिलीवरी ऑफ द सब्सिडी बेनिफिट और सर्विस। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आधार कार्ड के अलावा पेंशन के लिए जो गरीब भाई है उनको पेंशन नहीं मिल रही है, विधवा पेंशन नहीं मिल रही है, उनके अंगूठे के निशान और रेटिना काम नहीं कर रही है, तो वो तीसरा ऑप्शन आई कार्ड के रूप में करके जिससे वो पेंशन व्यवस्था में आ जाए, उनको भी पेंशन। मेरे और विधानसभा में ऐसे 8 केस है जो मेरे ध्यान में है। रोडला के जीवाराम भील जिसकी पेंशन 5 साल से बंद है, कारण मात्र आधार कार्ड में, वो आधार कार्ड नहीं बनना। तो मैं निवेदन करूंगा सभापति महोदय आपके द्वारा कि आधार कार्ड नहीं होकर कोई तीसरा ऑप्शन, आइडेंटिटी कार्ड, दूसरे वोटर कार्ड या कोई भी अन्य आइडेंटिटी कार्ड में उसका जोड़ा जाए। मैं सभापति महोदय, नशा मुक्ति की बात होती है, मैं बात करूंगा एक बड़े सम्मेलन की। आसोत्रा में राजपुरोहित समाज का बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, गांधीपति तुलसाराम जी महाराज के सानिध्य में दिव्य आशीष खेताराम जी बासी के आशीर्वाद से डॉक्टर वेदांताचार्य ध्यानाराम जी ने एक महासम्मेलन का किया। उसमें एक प्रावधान रखा कि पूरे समाज में नशा मुक्ति के लिए समाज में कहीं पर भी अफीम नहीं होगा, अफीम बीड़ी सिगरेट समाज में कहीं पर भी शादी गमी में किसी भी प्रकार से ये उपयोग में नहीं लाना है। तो पूरे समाज ने उसको स्वीकार किया और नशा मुक्ति के लिए पूरे समाज ने 37 कौम को समाज को, और इसकी बहुत बुरी बुरी प्रशंसा भी हुई। लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे इस सदन के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस बड़े जो निर्णय हुआ है उस निर्णय को अगर सरकार इसमें सहयोग करे, सहयोग कैसा करना है, सिर्फ और सिर्फ 22 अप्रैल को खेताराम जी महाराज की जन्मोत्सव पर
ऐच्छिक अवकाश को घोषणा करें, जिससे पूरे छत्तीसगढ़ में मैसेज जाए कि नशा मुक्ति के लिए जो इस समाज ने काम किया था, उसके लिए इस समाज ने ऐसा ऐच्छिक अवकाश के रूप में खेताराम जी महाराज की जन्मोत्सवी पर ऐच्छिक अवकाश की राजस्थान सरकार ने घोषणा की है। मैं निवेदन करूंगा आपसे। इसी प्रकार से हाल में सभी माननीय सदस्य चर्चा करते हैं रावणा राजपूत समाज की। रावणा राजपूत समाज रियासत काल में दारोगा, वजीर, हजूरी नाम से जाने जाते थे। कंक्लूड करें आप। अभी तो 2 मिनट हुए सर, हाँ 7-4 से बोलना शुरू है। हजूरी हुक्म, वो दारोगा, हजूरी और वजीर जैसे शब्द राजस्व रिकॉर्ड में आ गए हैं। मैं निवेदन करूंगा सरकार से कि गजट नोटिफिकेशन निकाल कर इस समाज को भी, जो इनके दिमाग में, इनके दिल में आहत पहुंचती है कि हमें इस जो रियासत काल में नाम थे उस समय वो सम्मानजनक शब्द कहे जाते थे, लेकिन अब उस शब्दों का दुरुपयोग होने लगा है, तो गजट नोटिफिकेशन द्वारा इस तीनों शब्दों का विलोपित करते हुए सिर्फ रावणा राजपूत समाज लिखा जाए, राजस्व रिकॉर्ड में सिर्फ रावणा राजपूत लिखा जाए, जिससे इस समाज के लिए बड़े गर्व की बात होगी और राजस्थान सरकार की भी इसमें कहीं ना कहीं अच्छाई साबित होगी। मैं निवेदन करूंगा माननीय सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में पीपी मोड पर आज दिन तक 2 पीपी मोड पर हॉस्पिटल पीएससी है जो वहां पर डॉक्टर भी नहीं है, और जितने भी सब सेंटर है पीपी मोड पर होने के कारण सरकार का उस पर ध्यान नहीं होता। कम से कम 15-20 गांवों के अंदर दो पीपी मोड पर पीएससी है, वो उन्होंने स्टे ले रखा है। सरकार से निवेदन करूंगा कि उसको लड़के पुनः उस पीपी मोड से हटाकर तुरंत गवर्नमेंट के अंदर लाके दोनों भवरानी और घाणा हॉस्पिटल को पीएससी को पुनः सरकार के अधीन करके, जिससे वहां पर रहवासी करीब 1 लाख जनता है, उनको वो सुविधा मिले और उस पीएससी की सुविधा मिले। मैं उसी प्रकार से निवेदन करूंगा कि जो और विधानसभा में दूर दूर तक कहीं पर भी वो जैसे पीएससी नहीं है, नौरवा में, शंखवाली में, ऊन में, पावटा में, तो वहां पर कहीं एक पर संतोष बजट में घोषणा करके। सर अभी तो 2 मिनट हुए हैं सर, समाप्त करें। समाप्ति कर रहे हो सर। उसके बाद मैं निवेदन करूंगा कि और उपखंड में 139 गांवों का उपखंड है, वहां पर मुंशिप कोर्ट की समाप्त करें प्लीज सहयोग करें। माननीय सभापति महोदय, बजट 2021-22 में मुझे अपने विचार व्यक्त करने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, प्रदेश सरकार के इस बजट ने सभी वर्गों को निराश किया है। ये बजट केवल घोषणाओं पर आधारित लग रहा है। इस बजट में मेरे विधानसभा क्षेत्र अनूपगढ़ को कुछ भी विशेष नहीं दिया गया है। सरकार बार बार किसान हित की बात कर रही है। सभापति महोदय, मैं बताना चाहूँगी कि मेरा गंगानगर जिला कृषि प्रधान है और मेरे क्षेत्र की मुख्य मांग है सिंचाई पानी की। किसान भाइयों को सिंचाई पानी समय पर नहीं मिले तो उसके लिए सब व्यर्थ हो जाता है। वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण के किसानों की खड़ी गेहूं व चने की फसलें सिंचाई पानी के अभाव में सूख रही है।